हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे पोस्टल लर्निंग पॉइंट। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं तो जमा पर्ची कैसे भरी जाती है। देखते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, खाता कौन सा है वो चयन कीजिए। आरडी, टीडी, एमआईएस, पीपीएफ, एसबी, मेरा एसबी है, एसबी में जमा कर रहा, एसबी पे टिक किया। फिर आपके डाकघर का नाम लिखिए, पोस्ट ऑफिस का जहाँ पर आप जमा करने जा रहे हैं। फिर आपका खाता नंबर उदाहरण के तौर पर लिख दिया, XYZ, और जब आप जमा करने वो दिनांक, यहाँ पर आपका नाम, अकाउंट होल्डर का नाम जिसका अकाउंट है, और नीचे जो जमा करने गया है, अकाउंट किसी और का और जमा कोई और करता है उस सिचुएशन में, ये दोनों एक ही है इसलिए दोनों एक ही नाम लिखा है। फिर यहाँ पर रुपये शब्दों में लिखिए कितने रुपये जमा कर रहे हैं, यहाँ पर अंकों में लिखिए कितने जमा कर रहे हैं। फिर नीचे आता है नगद या चेक, तो चेक देते हो तो आपको चेक नंबर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे चेक की दिनांक, मैंने कैश दिया तो कैश लिख दिया, कैश भी और चेक भी दोनों दे सकते हैं आप, और दिनांक जमा करने की। फिर दंड की रकम यानी कि डिफॉल्ट फीस लगती है जो आप लेट भरते हैं, आरडी वगैरह, आरडी मंथली चलते उसके लिए। फिर इधर ये भी सेम वही है, यहाँ पर आपको खाता चयन करना होगा और यहाँ पे आपका डाकघर का नाम, अकाउंट नंबर, दिनांक या नाम अकाउंट होल्डर का जिसका खाता है और कोई दूसरा जमा करना गया है तो उसका नाम, पर ये दोनों एक ही है। फिर यहाँ पर रुपए कितने जमा कर रहे हैं आप शब्दों में लिखिए, यहाँ पर अंकों में लिखिएगा। फिर नगद या चेक, तो नगद दिए हैं इसलिए कैश लिखा और दिनांक लिख दी। अगर आप चेक देना चाहते हैं तो चेक नंबर लिखिए, चेक की दिनांक लिखिएगा और यहाँ पर बैंक का विवरण, कौन सी बैंक का है चेक, उस बैंक का नाम लिखिए। और फिर दंड की रकम, लेट फीस, आरडी वगैरह की रखते हैं। फिर जमा के पश्चात कितना अमाउंट होता है, अगर आपको पता है आप कि पहले कितना अमाउंट था और अभी जमा कर रहे तो कितना हो जाएगा, वो टोटल आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर DLT, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, पिछली बार कब जमा किया है वो दिनांक लिखिए, और नीचे आपकी सिग्नेचर, इधर पोस्ट ऑफिस वाले करेंगे, इधर वही है। और यहाँ पर नोटों का विवरण हो जाएगा, जैसे मैंने 15,000 किए तो 15,000 के में अलग अलग नोट हो सकते हैं, 2,000 के दो नोट बराबर 4,000, 500 के 10, 5,000 और 100 के 60 नोट, तो 6,000 टोटल मिला के 15,000 हो गए। और आपको फिर इधर का हिस्सा सिग्नेचर वगैरह करके जमा होने के पश्चात आपको वापस दे देंगे, आपको देना होगा जमा पर्ची के साथ पासबुक भी, पासबुक में एंट्री होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।